लगता है कि बिहार में इंडस्ट्री इन बिहार की बात करना कितना सही है। 40 सालों में कभी किसी ने सोचा क्या 1.5% भी डबल इंजन की सरकार ने इंडस्ट्री की बात की क्या? करनाल पानीपत में, करनाल में जितनी फैक्ट्री है उतना पूरे बिहार में फैक्ट्री नहीं है। पानीपत में जितनी फैक्ट्री है पूरे बिहार में फैक्ट्री नहीं है। आप ना सुरक्षा की बात करते हो, ना आप रोड की बात करते हो, ना आप एक इन्वायरमेंट माहौल की बात करते हो। आप उन्माद में रहोगे, जाति पाति धर्म मजहब के नशों में रहोगे, आप रोजगार की बात नहीं करोगे, तब तो 56 लाख लोग पलायन किए। आपको 15 साल सत्ता में हो गया, उद्योग नीति आपको जब लूट नीति के बाद चुनाव नीति आई तब आपको याद आया। आप क्या बिहार के भोले भाले जनता को हमेशा मूर्खी समझते हो क्या? आखिर मूर्ख क्यों बनाना चाहते हो? बार बार काट की हंडी कितने बार चले ये भी तो जरा बता। 1400-1400 किलोमीटर चलने के बाद जो आदमी बिहार आ सकता है ये बिहारियों में ही दम है। बिल्कुल, हम बिहार को दुनिया का नंबर वन कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे पास पर्यटक स्थल है, हमारे पास दुनिया का सबसे ज्यादा पर्यटक स्थल है, हमारे पास ऊर्जा है, हमारे पास मेहनत करने की क्षमता है, हमारे पास निर्माण करने की क्षमता है, दिमाग भी है। लेकिन स्थिति क्या है आप जरा बताओ जी। आप कोई भी आदमी इस बात को सोचने को तैयार नहीं, हमारा समाज तैयार नहीं है। व्यवस्था तो छोड़ दो जी, विद्रोह तक नहीं होती है। हम कोरोना वायरस में जितने मार खाए उतनी स्थिति कहीं नहीं है जी। तो कोलैप्स कर दिया ना 30 सालों में नीतीश कुमार जी को, नल जल गली नली पानी म्यूजियम ये लूट सट घोटाला जो पटना कबारा हो सकता है, डब्बा बन सकता है, पूरा का पूरा अपराध अपराधी माफिया प्रकाष्ठा पर हो, कौन सी फैक्ट्रियां आएगी? जब आप टैक्स में कमी नहीं करोगे, जब आप गुंडा टैक्स नेता टैक्स बिजली टैक्स पुलिस टैक्स लफुआ टैक्स चोर चिल्लर टैक्स सारा टैक्स यही लेगा, आप फ्री करो जी, दो आजादी जी, दुनिया आएगी जी। लेकिन ना इन्वायरमेंट है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, बस जी, जात पात करना है जी, सब गठबंधन की राजनीति आती जी, है जी, बिहार और बिहारियों की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। सरकार जो है वो अपराध नियंत्रण के मामले में बिल्कुल फेल हो चुकी है, इसके बारे में मैं नहीं बोलता हूँ। सतपाल जी गवर्नर थे, कश्मीर गए तो बोला कश्मीर से ज्यादा हत्या अपराध बिहार में। भारत सरकार के अपराध इंडेक्स पर बिहार सबसे नंबर वन पे है जी, अपराध में जी, विकास में दुनिया के नंबर सबसे निचले प्रधान पर, मानव सूचांक में हम सबसे निचले प्रधान जी। हरियाणा यदि 1,08,000 मानव सूचांक है तो बिहार 33,000 जी, 22,000-28,000 जी। तो जब हम बिहार के व्यक्ति के इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? जरा आप ये बता दो जी, तो उस पर तो हम कोई चर्चा करते नहीं। तो जो हालात हैं यदि इसी तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष अपराधियों को माफियाओं को टिकट देगा, लुटेरे को टिकट देगा, बलात्कारियों को टिकट देगा, जाति उन्मादियों को नफरत फैलाने वाले को टिकट देगा, जब तक आप एक बेस्ट माहौल नहीं दोगे तो जीवन में क्या करोगे? किसी भी परिस्थिति में बिहार में एक माहौल एक देना पड़ेगा और ये गारंटी देनी पड़ेगी कि अभाव और डर ये दो चीज नहीं होगा। जात पात का जो वर्चस्व है, जात पात की जो लड़ाई है उसको आप डिफीट करने की बात करते हैं, तो क्या अगर आप मतलब सत्ता में आते हैं या आपके नेतृत्व में कोई सरकार बनती है तो बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ पे पूरा जाति इतने जटिल रूप से पैठ बनाई हुई है वहाँ पे इस तरह की चीजों को कम कर पाना संभव है? तो एकदम कम होगा सर। कैसे? आप आर्थिक आजादी की बात करो, आप चाइल्ड लेबर जो है उसको खत्म कर दो, आप उसको कंपलसरी एग्जामिनेशन एजुकेशन दो जी। आप लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए गलत आदमी को परिश्रय मत दो जी। आप जब आप अच्छे लोगों को परिश्रय दोगे, एजुकेशन डेवलप करेगा, 40,000-60,000-1,00,000 रुपया कमाने की आप दोगे जी। और माफिया जो आज आइकॉन बन चुका है, यूथ का, जाति का आइकॉन, समाज का, यदि वो उसका खिलाफ समाप्त होगा तो आम आदमी जीना चाहेंगे जी। जब नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगी जी। जब अभाव में नहीं रहेंगे, डर नहीं रहेगा, तो ये जो उन्माद है, जो उन्माद पैदा करके सत्ता में आना चाहता है, वो आइकॉन बन जाना चाहता है कि मैं हिंदू मुसलमान करूंगा, मजहब की राजनीति करूंगा, तो मैं हिंदू सम्राट बन जाऊंगा, मैं मुस्लिम सम्राट बन जाऊंगा,
मैं जाति को का सम्राट बन जाऊंगा, मैं किसी भी परिस्थिति में आप जरा बात करो ना, जो परिस्थितियां हैं जी, आप उसमें आप देखो जी, तो एकदम कम होगा। केरल में कैसे कम नहीं जी, दिल्ली में क्यों इन्वायरमेंट बहुत खराब नहीं है जात का जी, बम्बई में क्यों है बहुत इन्वायरमेंट है, सभी जगह जात का है, लिंगायत है, बोकलिंगायत है जी, जिन्ना जिग्नेश है जी, पट्टेदार है जी, लेकिन वही आप केरल जाओगे जी, हिमाचल जाओगे जी, तो बहुत सारी चीजें है वहाँ भी, ठाकुर गए ठाकुर, कई सारी चीजें हैं, लेकिन इतना उन्माद नहीं जी। जब आप डेवलप करोगे जी, तो लोग उस माहौल में जीना चाहेंगे जी, हर परिस्थिति में जी, तो आप डेवलप करते नहीं हो जी, तो क्या जिएंगे लोग जी, आप जरा बताओ। तो आप निर्माण करो ना बिहार का जी, आप खाली दिमाग शैतान का लोगों को इन्वॉल्व करो, लोग ताश में इन्वॉल्व रहते हैं, चोरी में रहते हैं, फालतू चीजों में रहते हैं, तो ऐसी चीजें डेवलप करती है सर। एक जब आप एक बेहतर माहौल दोगे ना और कानून सख्त कर दोगे जी, जी, और 12 घंटे के अंदर जी, 12 से 24 घंटे के अंदर हर परिस्थितियों में कोई भी दंगा कोई भी जातीय उन्माद नहीं चलने देंगे, और 6 महीने के अंदर चिन्हित करके यदि आप सजा दिलाओगे जी, तो फिर और ये तय कर लोगे जी, जो जातीय दंगा और धार्मिक दंगा करता है जी, उसको बिहार के आम आदमी को जो लाभ मिलता है जो चीजों का जी, उसको लाभ से वंचित कर दिया जाएगा जी, बिजली बिल्कुल, पानी बिल्कुल, पेंशन जी, तो देख लेना। में युवाओं का एक बड़ा प्रश्न है, उनके उनके प्रवास का एक बड़ा प्रश्न है, उनके रोजगार का एक बड़ा प्रश्न है, उनकी शिक्षा का बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल डिक्लाइन करती जा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब 20,000 करोड़ रुपया बिहार के छात्र बाहर देते हैं जाने जी, 1.5 करोड़ में हम मेडिकल लेते हैं, 50 लाख रुपया जी, तो हम डोनेशन देते हैं। जब हम 50 लाख रुपया डोनेशन देंगे और 1 करोड़ में हम पढ़ाई करेंगे, 50 लाख में इंजीनियरिंग करेंगे, 10 लाख डोनेशन देंगे जी, जी, तो आप जरा बताइए क्या होगा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है, इसलिए जो परिस्थितियाँ हैं उस परिस्थितियों को थोड़ा ध्यान रखो ना आप। एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी स्कूल को बर्बाद कर दी, 70,00,000 करोड़ का एजुकेशन माफिया है। आप एजुकेशन माफिया को आप डेवलप करते हो, आप तवज्जो देते हो, सरकार का बिली भगत उसमें है, तो क्या होगा? आप सरकारी स्कूल को निर्माण नहीं करते हो, इंजीनियरिंग कॉलेज का को फैकल्टी नहीं देते हो, मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं करते हो, तो क्या होगा जरा बताइए। हर परिस्थितियों में जब आप देखोगे तो आप उसको देखिए जी, आप एजुकेशन पर भारत का बजट नहीं है और उसमें बिहार में किसी एजुकेशन नाम की कोई चीज नहीं, कोई चीज, तो क्या होगा आप जरा बता दीजिए। अपन तो एजुकेशन के प्रति, हेल्थ के प्रति बिहार के सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं, हमेशा इस्तेमाल करती है, बैंकिंग बेनिफिट नहीं देता, स्कॉलर नहीं है, आप कहाँ से डेवलप करोगे जी, आप हमको बता दो जी। तो इसीलिए एक जिद होना चाहिए किसी न किसी चीजों पर जी, एक परिस्थितियाँ जी चेंज हो जी, एजुकेशन का माहौल हो, एजुकेशन पर तवज्जो दी जाए जी, हॉस्टल्स पे दी जाए, फीस पर तंग ना हो जी, जी, ट्यूशन पर तंग ना हो, और हम सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल से ज्यादा खूबसूरत बनाए जी, जी, हाँ जी, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जब बात करते हैं, थैंक यू।